उत्तराखंड में लगातार साइबर अपराध पर चिंता जाहिर करते हुए डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कहा है कि रोजाना डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उत्तराखंड अपनी ओर से ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कार्य कर रही है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड में साइबर सेल्स का भी गठन किया गया है, जिसकी मदद से ऐसे मामलों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाएगा। वहीं डीजीपी ने लोगों से अपील की है कि वो अपने खाते की जानकारी किसी अनजान को न बताए, साथ ही समय समय पर अपने खाते से संबंधित जानकारी बैंक से लेते रही। वहीं आपको बता दें कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ साथ साइबर अपराध भी बढ़ा है, जिससे सबसे ज़्यादा असर राजधानी देहरादून में देखने को मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दो होती है, एक तो लोभ, कोई भी फ़ोन आपको करता है कि हम आपका ये फ़ायदा कराने वाले हैं, तो पहली चीज़ तो उस लोभ में ना आए। कोई भी, जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, कोई फ्री लंच नहीं देता, कोई ना कोई उसके पीछे बात होती है, तो एक तो उसके लोभ में ना फंसें। और दूसरी चीज़ है कि अपने आप ये ध्यान रखें कि अपने एटीएम कार्ड, उसके पासवर्ड, इसके अतिरिक्त जो इंटरनेट बैंकिंग करते हैं उसके बारे में बहुत सजग रहें, निरंतर अपने बैंक से संपर्क में रहें और अपने जो बैंक में डिपॉजिट्स हैं उसकी मॉनिटरिंग निरंतर करते रहें, और अपने मोबाइल और इस प्रकार की जो पासवर्ड इत्यादि आते हैं उसकी जानकारी किसी को ना दें। साइबर क्राइम का अपराध बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जैसा आप अवगत हैं पहले कैश ट्रांजैक्शन होते थे, अब डिजिटल ट्रांजैक्शन वृद्धि की ओर जा रहे हैं, और जो एक विकास का द्योतक है आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से। जैसे जैसे विकास होगा डिजिटाइजेशन बढ़ता जाएगा और इससे लाभ समाज को मिलेगा। इसका एक फ्लिप साइड ये है कि इसमें कुछ अपराधी भी इसमें कार्य करेंगे, जो कि प्रबल संभावना रहती है किसी भी समाज में, उसके दृष्टिगत इस अपराध में भी वृद्धि स्वाभाविक है कि जहां भी इस प्रकार की घटना हो उस संबंध में पुलिस तत्काल संज्ञान ले और उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। इस जनता में भी ये जागरूकता फैला रहे हैं ताकि एटीएम और इस प्रकार के पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इसके बारे में जनता भी जागरूक रहे।